नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडे एस में। तो हम देखेंगे चक्रवात। चक्रवात एक टॉपिक है, देखिए एक शब्द आ रहा है चक्रवात साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या होता है? जिसमें पवने एक वृत्ताकार रूप में चलने लगे। पवने नॉर्मल कैसे बह रही है? तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर, ये डायरेक्शन में बहती है ऐसे करके। लेकिन जब पवने अगर वृत्ताकार रूप ले ले, वृत्त के आकार का एक सर्कल बनाते चलिए ऐसे, तो जब पवने वृत्ताकार या अंडाकार, बोलेंगे पवने वृत्ताकार या फिर अंडाकार रूप ले ले, कौन ले ले? पवन। पवनों का एक ऐसा रूप जिसमें पवने वृत्ताकार या अंडाकार रूप ले लेती है, इसे बोला जाता है चक्रवात। साइक्लोन देखते होंगे आप, तो कैसे आ रही है? कुछ इस डायरेक्शन से ऐसे ऊपर चढ़ते रहती है। अब दो तरीके के होते हैं चक्रवात, एक तो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात है और एक और होता है उष्ण कटिबंध चक्रवात। तो उष्ण कटिबंध चक्रवात, दो तरीके के चक्रवात होते हैं। तो जियोग्राफी में आपको पढ़ना रहता है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात और उष्ण कटिबंध चक्रवात। अब पवने कैसे चलती है, इसमें हमको ये देखना है, डायरेक्शन देखना है, और पवने कैसे चल रही है। तो पवन हमेशा क्या रहता है? उच्च वायु दाब से, जो हाई प्रेशर है, हाई बिल्ड का प्रेशर से, जो कम वायु दाब है, कम वायु दाब इस ओर फ्लो कर रही है। अगर प्रेशर इस साइड ज्यादा है, इस साइड कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। तो पवन कैसे चल रही है, कारण क्या रहता है पवन चलने का? तो बोलना है वायु दाब जहां अधिक हो वहां से कम वायु दाब की ओर। तो देख कोई भी चीज, अगर ताप भी आप देखेंगे, ताप कैसे फ्लो होता है? तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर, अधिक तापमान है और कम तापमान की ओर। पानी कैसे फ्लो हो रही है? अधिक से कम की ओर। अगर किसी बर्तन में ज्यादा पानी है, वैसे पानी को दूसरे एक गिलास से, या मान लेते हैं कोई बीकर से जोड़ दे नली के जरिए, और इधर पानी कम है, तो अधिक से कम की ओर वायु फ्लो होता है। तो हमेशा ऊंच दाब से कम दाब की ओर वायु फ्लो होती है। तो चक्रवात में वायु दाब अंदर की ओर कम रहता है, यहाँ पे कम वायु दाब रहते हैं, और बाहर की ओर वायु दाब अधिक है। इस साइड ध्यान देना है आपको, वायु दाब इस साइड अधिक है। एक बार फिर से डायग्राम में देखिए, ये अंदर की ओर वायु दाब मान लेता हूं मैं कि 990 है, और एक सर्कल बना दीजिए 993, एक और सर्कल बनाइए 996, एक और सर्कल 999। तो देख रहे हैं वायु दाब कैसे बढ़ रहा है, अंदर से बाहर की ओर बढ़ रहा है, अर्थात बाहर में वायु दाब अधिक है और अंदर की ओर कम है। तो पवन कैसे चलेगी? पवन चलेगी बाहर से अंदर की ओर। तो आपको बोलना है जो चक्रवात होते हैं, इसमें वायु दाब अंदर की ओर कम रहता है, बाहर की ओर अधिक रहता है। जो वायु है वह बाहर से अंदर की ओर जाती है, और मिली बार में देखेंगे आप, तीन दिन का अंतर करते चलना है। कैसे? 990, फिर 3 जोड़ देंगे आप 93, फिर 96, फिर 99 और 1002 तक, तीन दिन का सर्कल बनाते चलेंगे। तो एक डिफिनेशन है चक्रवात का कि चक्र कैसे बन रहे हैं, वायु दाब के कारण कैसे फ्लो हो रही है पवने, तो उच्च वायु दाब से कम वायु दाब की ओर, और चक्र बनने का कारण क्या है? तो बोलना है आपको पृथ्वी का घूर्णन। ये बहुत अहम सवाल है, पृथ्वी का घूर्णन। तो एक बार पृथ्वी का घूर्णन देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है। जो पृथ्वी है घूर्णन, पृथ्वी कैसे घूम रही है? अपने अक्ष पे घूम रही है, एक्सिस पे। किस साइड घूम रही है? इस साइड घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूम रही है। तो लगातार मूव कर रही है। जब मूव कर रही है पृथ्वी, रोटेट हो रही है अपने ही एक्सिस पे, तो पवन एक्चुअली में चलना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या होती है, सीधा ना चल के एक वक्र रूप धारण करती है। तो
पवन एक बकरा का रूप धारण कर रही है। किस लिए धारण कर रही है? पृथ्वी को घूमने का, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है। रोटेट करने से एक बल उत्पन्न होता है, इस बल का नाम आपको याद करना है, कार्योलेसिस फोर्स। क्या नाम याद करेंगे? कार्योलेसिस। साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये रखा गया है, इन्होंने बल की खोज की थी। तो कार्योलेसिस फोर्स, बल के कारण क्या होता है, जो पवन है वह घूम रही है और वक्र का रूप धारण कर रही है। तो वक्राकार दो तरीके से हो सकता है, या तो घड़ी की दिशा में या तो घड़ी के विपरीत दिशा में। कार्योलेसिस फोर्स क्या कर रहा है? पवन को घुमा रहा है, पवन को घुमा रहा है, या तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं? घड़ी की दिशा में पवन ऐसे घड़ी की दिशा में घूमेगा, और एंटी क्लॉक कैसे होंगे? तो उल्टा करना है आपको, तीर का निशान देखिए एक बार। ये एंटी क्लॉक है। तो क्लॉक कैसे होगा? किस लिए हो रहे हैं? ये हो गया एंटी क्लॉक, ये हो गया क्लॉक। किस लिए हो रहे हैं? तो कार्योलेसिस फोर्स के कारण। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे रहते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। ये है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश जो क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध। तो ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ पोल तक जाएंगे आप। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ पोल तक जाएंगे, फिर नीचे में साउथ पोल तक आएंगे, तो साउथ हेमिस्फीयर है। इस साइड जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में बोलना है आपको, पवने एंटी क्लॉक रहती है। पवने कैसे रहती है? एंटी क्लॉक। और जो साउथ हेमिस्फीयर है, दक्षिण गोलार्ध, तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या बोलेंगे आप? क्लॉकवाइज रहता है। ये अभी तक आप चक्रवात के बारे में पढ़ रहे हैं। चक्रवात दो तरीके के होते हैं, शीतोष्कटिबंध, उष्णकटिबंध। चक्रवात चल रहे हैं उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। चक्रवात जो रहते हैं अंडाकार या वृत्ताकार रहते हैं। क्यों अंडाकार वृत्ताकार रहते हैं? इस बल के कारण। ये बल कहाँ से उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी रोटेट करती है, एक बल लगाती है, उस बल के कारण पवने घूम जा रही है, वृत्ताकार रूप धारण कर रही है। कैसे धारण कर रही है? तो उत्तरी गोलार्ध में बोलना है नॉर्थ गोलार्ध में एंटी क्लॉक, साउथ गोलार्ध में बोलना है क्लॉकवाइज। ये बेसिक कंसेप्ट है चक्रवात का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का। अभी मैं उष्णकटिबंध चक्रवात नहीं बनाऊ बता रहा हूँ आपको, दो वीडियो मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध का अलग मिलेगा, उष्णकटिबंध का अलग। आज जो हम पढ़ेंगे वो है शीतोष्ण कटिबंध। नाम आ रहा है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहाँ गर्मी 6 महीने हो, 6 महीने ठंडी हो। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है, क्या बोल रहे हैं आपको, 30 से 60 डिग्री के बीच वाला, जो दोनों ही गोलार्ध में। तो एक बार मैं आपसे इसको देख लेते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। देखिए शीतोष्ण पृथ्वी है, अगर पृथ्वी है तो इसके अक्षांश भी है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में जाएंगे 23.5 डिग्री है, और फिर अब जाएंगे 66.5 डिग्री तक, दोनों ही पोल में। तो दो सर्कल मिल जाते हैं आपको स्पष्ट रूप से। एक तो कर्क रेखा मकर रेखा वाला बेल्ट मिल जाता है आपको, उष्णकटिबंध वाला। इसके अलावा जो बच जाता है शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण हो जाता है। कुछ जियोग्राफरों के अनुसार ये भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ कंफ्यूजन होता है, 23.5 से 66 दोनों ही गोलार्धों में जो क्षेत्र आ रहे हैं, बेल्ट आ रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंध है। लेकिन कुछ जियोग्राफरों ने ऐसे भी डिविजन किया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो 30 से 66 डिग्री के बीच वाला शीतोष्ण क्षेत्र रहता है। दोनों तरीके से यहाँ पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना है जो उष्णकटिबंध वाला है, कर्क रेखा मकर रेखा वाला, यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है। जो शीतोष्ण वाला क्षेत्र है वहां हमेशा गर्मी और ठंडी 6-6 महीने के रहते हैं, बराबर रहते हैं दोनों। तो शीतोष्ण चक्रवात
आते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में ही आते हैं। कैसे उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति ओरिजिन कैसे होता है ये शीतोष्ण चक्रवात का, तो इसको जर्किंसन के, जर्किंसन जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, इनका पोलर फ्रंट थ्योरी है वातागर। अगर आपका कंसेप्ट वातागर का क्लियर है तो आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाता है वातागर क्या होते हैं। तो दो अलग अलग वायु राशि मिलती है। वातागर क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है, मान लेते हैं क्षेत्र है वातागर, इसके इस साइड में से आ रही है पवन, उत्तर से पवन आ रही है, शीत और शुष्क पवन, और दक्षिण से कौन से पवन आ रही है, तो गर्म और आर्द्र पवन। दक्षिण से गर्म आर्द्र पवन आ रही है और उत्तर से आ रही है शीत और शुष्क पवन। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, जो मिलन वाला क्षेत्र है, ये मिल रहे हैं आपस में, मिलन वाला क्षेत्र ही वातागर कहलाता है। तो जर्किंसन का पोलर फ्रंट थ्योरी है, पोलर फ्रंट थ्योरी से ही जो चक्रवात है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, इसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात वातागर ही क्या रहता है, चक्रवात का जन्म देता है। अगर ये वातागर नहीं बनेंगे तो चक्रवात भी नहीं बनेगा। तो कोई भी चक्रवात आ रहा है तो उसके लिए वातागर बनना जरूरी है। वातागर क्या बोलेंगे, एक क्षेत्र है जहां दो अलग अलग वायु राशि मिलती है, शुष्क वायु राशि और गर्म और आर्द्र वायु राशि। तो दोनों कंसेप्ट मैं पहले से आपको बता चुका हूँ वीडियो में, आप देख लेंगे। वातागर और वायु राशि, ये दोनों क्लियर है तो आपका चक्रवात क्लियर होगा। अगर वातागर भी क्लियर है तब भी चक्रवात क्लियर हो जाएगा। ये दोनों मिलते कहाँ है, तो यही वाले अक्षांश बताएंगे या मोटे तौर से, ये लीजिए 30 से 66 एंड हाफ, इसके बीच वाला क्षेत्र है, यहीं पे मिलते हैं, कहीं मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी एक क्षेत्र है पृथ्वी पे जहां पे मिलते हैं दो अलग अलग वायु राशि, कहाँ मिलते हैं, वो क्षेत्र कहाँ पे है जहां पे शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात बनता है। और जब एक बार बन जाता है वो चक्रवात, तो चक्रवात है वो तो मूव करते हुए आगे आएगा, मूव करेगा अर्थात गति करते हुए कहीं ना कहीं किसी देश में क्षेत्र में पहुंचता है। तो उत्पत्ति कैसे हो रही है, जर्किंसन के पोलर फ्रंट थ्योरी से हो रही है। जहां भी चक्रवात बनता है, एक पार्टिकुलर क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र में नाम बता देता हूँ कहाँ बनते हैं, वहां से बनने के बाद वो गति करती है, क्योंकि पवन है वृत्ताकार रूप में आगे बढ़ता हुआ किसी देश या क्षेत्र में पहुंच जाता है, और इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। क्षेत्र का नाम कहाँ पे बनते हैं, तो सबसे पहले अलुसियन द्वीप, ये कहाँ मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर में जो बेरिंग स्ट्रेट है वहां पे आप देखेंगे अलुशियन द्वीप मिलेगा आपको। फिर बनते हैं ये ग्रीनलैंड आइसलैंड के पास, ग्रीनलैंड आइसलैंड, और मिलेंगे आपको भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये तीन उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र हैं, ये भी ध्यान रखना है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में अलुशियन द्वीप के पास चक्रवात बन रहे हैं, ये आगे बढ़ जाएगा अमेरिका में चला जाएगा ये चक्रवात। ग्रीनलैंड आइसलैंड के पास बन रहे हैं, ये चक्रवात कहाँ जाएगा, तो यूरोप की ओर जाएगा, ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, उस ओर जाएगा। भूमध्य सागर में जो चक्रवात बन रहा है वह कहाँ जाएगा, भारत की ओर आता है चक्रवात। तो ये तीन उत्तरी गोलार्ध में है। अगर दक्षिण गोलार्ध की बात करूं मैं, दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात जो रहता है सारा साल रहता है, सारा साल पूरा 12 महीना चक्रवात बनते हैं। क्यों बन रहे हैं दक्षिण गोलार्ध में सारा साल, उत्तरी गोलार्ध में विशेष समय बन रहे हैं शीत क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है ठंडी में बनते हैं, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में हमेशा बनते हैं क्योंकि जल अधिक है। दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है आपका, तो द्वीप महाद्वीप अधिक है अर्थात लैंड अधिक है। लैंड अधिक होने के कारण शीत ऋतु में बनते हैं, ठंडी में बनते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में तो सारा साल रहता है जल, क्योंकि जल अवेलेबल है। जल मिलने से, जल जहां भी मिलते हैं तो वहां पे वायु राशि और
अपने आप बनती है। वायु राशि बनने के बाद क्या होता है, वाताग्र बन जाता है और चक्रवात बन जाते हैं, क्योंकि जल से आर्द्रता मिलती है, आर्द्रता तो ह्यूमिडिटी मिल जाती है, और एक गुप्त ऊष्मा मुक्त होता है। गुप्त ऊष्मा, यहाँ भी थोड़ा एनर्जी का बात चल रहा है, क्योंकि चक्रवात मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो गति करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी आ रही है जल से, जल से आर्द्रता बन रहा है, आर्द्रता ये धीरे धीरे कंडेंस होती है, कंडेंस होने के बाद ठंडी हो रही है, जल ठंडी होने से गुप्त ऊष्मा मुक्त हो रही है, गुप्त ऊष्मा उसको गति दे रहा है, बल दे रहा है वो, और आप चक्रवात आगे की ओर मूव कर रहा है। फिलहाल कंसेप्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, दक्षिण गोलार्ध में जल अधिक है। तो ये डायग्राम है, शीतोष्ण कटिबंध जो चक्रवात होता है, इसका 6 अवस्था है। एक पूरा अगर शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात को समझना है आपको, तो 6 स्टेज चरण में आपको समझना होगा। सबसे पहले जब आप उत्पत्ति समझ लेते हैं, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, तो वाताग्र से होता है, एक वाताग्र बन गया ये। शीत और शुष्क वायु राशि कहाँ से आ रही है? तो शीत और शुष्क वायु राशि आती है ध्रुव क्षेत्र से। ध्रुव ठंडा क्षेत्र है, जहाँ की वायु ठंडी है और शुष्क है, उसमें आर्द्रता नहीं है, जल नहीं रहता है, लेकिन ठंडा रहती है पवन। नीचे उष्णकटिबंध क्षेत्र से गर्म वायु आ रही है और अपने साथ क्या ला रही है, आर्द्रता ला रही है। तो साउथ से लेके आ रही है आर्द्रता पवन और गर्म वायु, ये दोनों मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैं, मिलन वाला क्षेत्र वाताग्र बन गया। फर्स्ट स्टेज में वाताग्र है ये। सेकेंड स्टेज में जो उष्ण पवन रहती है वो तेजी से ऊपर उठती है, गर्म पवन है तो ऊपर उठेगी और ठंडी पवन नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ठंडा जो पवन रहता है वो भारी होता है, ठंडी पवन भारी रहती है, इसमें वजन ज्यादा रहता है, ऊपर से शुष्क है तो क्या इसका मास अधिक रहता है, वेट अधिक होने के कारण नीचे आती है, ठंडी पवन नीचे उतरती है और गर्म पवन अर्थात उष्ण पवन ऊपर उठेगी। तो वाताग्र में अब क्या आ रहा है, एक तरंग उड़ गया, लहर उड़ गया। जो पवन है, जैसे ठंडी पवन नीचे की ओर आ रही है और गर्म पवन ऊपर की ओर उठ रही है, तो वाताग्र को तरंगित कर दिया ये, अर्थात उसमें एक लहर बन गया ऐसे करके। तो लहर का एक सेक्शन है, ये कटिंग है वाताग्र। अब तरंग की लंबाई 1000 किलोमीटर में रह सकती है, मैंने एक बस सेक्शन लिया इसमें। सेकेंड स्टेज में वाताग्र, उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र, दो वाताग्र में डिवीजन हो जाता है। पहले वाले में एक नॉर्मल वाताग्र था प्लेन के रूप में, सेकेंड वाले में क्या हुआ कि ठंडी पवन नीचे की ओर उतर रही है, गर्म पवन ऊपर की ओर उठ रही है, तो वाताग्र को उठा रहे हैं, फोर्स एक बल लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के कारण ये तरंगित हो गई, इसके दो सेक्शन बन गए, एक शीत वाताग्र दूसरा उष्ण वाताग्र। थर्ड स्टेज में और अधिक बल लग रहा है, क्योंकि ठंडी पवन और तेजी से नीचे उतर रही है और गर्म पवन को ऊपर उठा रही है, तो उष्ण वाताग्र का आकार छोटा होता है और शीत वाताग्र का आकार बढ़ जाता है। और फोर्थ स्टेज पूरी तरीके से पूर्ण विकसित अवस्था में आ जाता है। ये जो चक्रवात है, देखिए गोलाकार रूप धारण कर लिया, पूरी तरीके से गोल रूप में रूप धारण कर चुका है ये। तो उष्ण वाताग्र का आकार समय के साथ कम होता जाता है, छोटा होते जाता है, और शीत वाताग्र का आकार समय के साथ बढ़ते जाता है। पांचवी अवस्था में एक ऐसी अवस्था आती है कि जो ठंडी पवन है, गर्म पवन को पूरी तरीके से धरातल से ऊपर उठा देती है, धरातल से संपर्क कट जाता है। अगर ये धरातल है, धरातल पे पूरी तरीके से ठंडी पवन रहती है और गर्म पवन पूरी तरीके से ऊपर उठ चुकी रहती है, और जब पवन गर्म होकर ऊपर उठती है तो ऊपर उठी हुई गर्म पवन भी ठंडी हो जाती है। तो ऐसे करके स्टेज बनाना है, और अंत में ये वाताग्र जो है बोलना है 6 वाताग्र अवस्था है, अर्थात समाप्त हो चुकी रहती है। कुल मिला के 6 अवस्थाओं में दिखाना है वाताग्र को, और स्थिति अंत में कैसी आती है, तो स्थिति ऐसी आती है कि एक धरातल है, धरातल पे पूरी तरीके से ठंडी पवन छा जाती है और जो गर्म पवन उठ रही थी पहले वो भी तो ठंडी हो गई, तो जो गर्म पवन रहती है इसका अस्तित्व समाप्त हो चुकी रहता है, यह सीधा लिखे कि समाप्त हो चुकी रहती है।
और पूरा धरातल पे ठंडी पवन चल रही है वृत्ताकार रूप में। तो ओवरऑल 6 स्टेज है। देखिए इसका एक बार क्षेत्रफल समझ लेते हैं, व्यास समझ लेते हैं हम। जो उष्णकटिबंध शीतोष्णकटिबंध चक्रवात है, इसका एक व्यास रहता है। व्यास क्या हो सकता है? वृत्ताकार रूप में है, वृत्त है तो वृत्त का एक व्यास रहेगा, ये पूरा व्यास हुआ। तो शीतोष्णकटिबंध चक्रवात, इसका व्यास 800 किलोमीटर तक रह सकता है। लंबाई चौड़ाई भी होगी कि कितना लंबाई हो सकता है, कितना चौड़ा हो सकता है, कम से कम हो सकता है, अधिक से अधिक हो सकता है। तो लंबाई चौड़ाई भी 1:2 के अनुपात में रहती है। चौड़ाई अधिक है, लंबाई कम है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात है, इसकी लंबाई कम और चौड़ाई अधिक रहती है। व्यास 800 किलोमीटर की होती है। पवन की गति क्या रहती है? गति स्पीड क्या रहेगी? चक्रवात कितने स्पीड से गति करेगा? तो चक्रवात है, बहुत कम स्पीड से गति करता है, 60 किलोमीटर पर आवर तक गति करता है। लेकिन यहाँ गति 2 तरीके से होती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। गति 60 किलोमीटर तो मैंने लिख दिया है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड अधिक है तो गति में दिक्कत आती है, क्योंकि स्थलखंड है, पहाड़ है, पर्वत है, तो चक्रवात की गति को रोक देते हैं। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में पर्वत पठार की कमी है, जल अधिक है, जल अधिक मिलने से आर्द्रता अधिक मिल जाती है, आर्द्रता अधिक मिलने से गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है, गुप्त ऊष्मा से एक बल मिल जाता है, चक्रवात की गति बहुत बढ़ जाती है। तो 100 100 किलोमीटर से अधिक की गति रहती है। चक्रवात की गति दक्षिण गोलार्ध में अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में गति कम हो जाती है। सेकेंड चीज है, जैसे ही चक्रवात, अगर चक्रवात पे प्रभाव पड़े, इसका प्रभाव पड़े पछुआ पवन का, पछुआ पवन कहाँ से कहाँ चल रही है? तो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री अक्षांश के बीच चल रही है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच वाला बेल्ट में पछुआ पवन चलती है। तो ये चक्रवात जैसे पछुआ पवन के संपर्क में आ गया, चक्रवात था, इसमें एक प्रभाव पड़ा पछुआ पवन का, पछुआ पवन इस चक्रवात को और अधिक फोर्स से गति करा रही है। तो रिजल्ट ये रहता है, जो ग्रीनलैंड वाला इलाका हो, अल्यूशियन द्वीप हो या भूमध्य सागर, वहां पे स्पीड अपने आप इसकी बढ़ जाती है चक्रवात की। क्यों बढ़ जा रही है? पछुआ पवन के संपर्क में आ जा रही है। और जैसे ही इस अक्षांश में 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच चक्रवात प्रवेश करता है, तो पछुआ पवन के प्रभाव से स्पीड बढ़ जाती है और तेज तीव्र गति से गति करते हैं। हालांकि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कम नुकसानदेह है। तो देखिए, एक मैप फिर से है, चक्रवात का हमको देखना है कहाँ पे आती है, एक पार्टिकुलर क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहला भूमध्य सागर वाला इलाका, ये पूरा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में शीत क्षेत्र वाला, सॉरी भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में ठंड के समय चक्रवात बनता है, ये चक्रवात भारत की ओर मूव करता है, पाकिस्तान होके आता है, और ठंडी में भारत में बारिश जो होता है इसी चक्रवात के कारण होता है, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के कारण। बनते कहाँ है? भूमध्य सागर पे। कैसे बन रहे हैं? तो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया की ठंडी पवने, ये पूरा सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया की ठंडी पवने है, शुष्क पवन है, और उष्णकटिबंध क्षेत्र से गर्म पवन और आर्द्र पवने मिल रही है, मिलने से भूमध्य सागर वाला क्षेत्र में चक्रवात बन रहा है। ये चक्रवात आगे मूव कर रहे हैं, भारत की ओर आ रहे हैं, जेट स्ट्रीम इसको लेके आती है और वर्षा करा रही है शीत ऋतु में। अल्युशियन द्वीप जो मैं बात कर रहा था कि अल्युशियन द्वीप ये है, यहाँ से एक चक्रवात बनती है जो अमेरिका की ओर जाती है, अमेरिका के रॉकी पर्वत को पार कर रही है, और रॉकी पर्वत को पार करने के बाद क्या करा रही है? तो वर्षा कराती है। और एक वाला बेल्ट जो है ग्रीनलैंड वाला है, ये वाला बेल्ट है, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की ओर गति कर रही है। तो यहाँ पे पवन कैसे बन रही है? यहाँ पे है आपका बोलना गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम है कि गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा बहती है और इसके ऊपर का पूरा जल क्या रहता है? गर्म रहता है।
समुद्र में एक धारा बह रही है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, और ये धारा क्या रहता है, इस धारा के कारण पूरा का पूरा यहाँ पे जो वायु रहती है गर्म हो जाती है। इधर आइसलैंड से ठंडी वायु आ रही है और ध्रुव क्षेत्र से ठंडी वायु आ रही है, दोनों वायु मिल रही है और मिलने से एक चक्रवात बन जाता है। चक्रवात आगे पे मूव कर रहा है तो शीतोष गढ़ीवन चक्रवात होते हैं। इस वाले बेल्ट में ग्रीनलैंड आइसलैंड वाला और ये वाला हो गया। दक्षिण गोलार्ध में क्या रहता है, तो 12 महीना चल रहा है ये चक्रवात, चल रही है 12 महीना चल रहे, तो ये पार्टिकुलर वाला क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात हो ये उष्ण कटिबंध जब भी आते हैं मौसम पे प्रभाव डालते हैं, तो मौसम पे प्रभाव डालते हैं, बादल बनते हैं, वर्षा भी होती है, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में कम वर्षा होती है, ओलावृष्टि होते हैं, तो भारत में दिखाई देता है ठंडी में। और अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा, जैसे बोलेंगे पंजाब में, पंजाब में छाते हैं तो सूर्य का रंग थोड़ा पीला होता है, बोलना है तेज हवाएं चलती है, तेजी से हवा चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, कुछ इस तरीके से लक्षण है। क्या बोलना है, पंजाब में छा जा रहे हैं, फिर सूर्य का रंग हल्का पीला दिखाई देता है, तेजी से हवाएं चलती है, वर्षा होती है, तो मौसम पे प्रभाव डालता है। और भारत में ठंडी भी बढ़ जाती है जब भी शीत लहर आ रहे हैं भारत में, बहुत तेजी से शीत लहर या वर्षा हो रही है ठंडी में। कभी क्वेश्चन पूछता है जम्मू कश्मीर वर्षा हो रही है या फिर उत्तरी भारत में वर्षा होती है शीत के समय, किस लिए हो रही है शीत के समय ठंडी के समय, तो बोलना शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के कारण हो रही है। बस यही है, बाकी उष्णकटिबंध चक्रवात हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार पूरा देखिएगा इसको पॉज करके वीडियो, चक्रवात क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात में वायु दाब कैसे बन रहा है और एंटी क्लॉक क्या होते हैं, क्लॉक कैसे होते हैं, इसका एक बार क्षेत्रफल देख लेंगे, गति देख लेंगे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में अंतर की, उत्तरी गोलार्ध में कम स्पीड से क्यों चल रही है, दक्षिण गोलार्ध में अधिक स्पीड से अधिक क्यों चल रही है, तो कारण आंसर याद रखना है आपको गुप्त ऊष्मा, या कारण बताना है आपको गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा जितना अधिक मिलेगा, चक्रवात कोई भी चक्रवात होती है अधिक गति से चलेगी, ये मिलेगा कहाँ से, तो जो भी जल है, जैसे जल है, ये जल जब कंडेंस होता है, संघनन होता है इसका, क्या बोलेंगे संघनन, जब भी संघनन होता है तो मिल रही है, इसमें एक एनर्जी होता है ऊर्जा, ये ऊर्जा गुप्त ऊष्मा कहलाता है, अर्थात वो हीट हो जा रही है, हीट होने के कारण बादल बनने लग जाते हैं, तीव्र बौछार होती है। अगर एक गुप्त ऊष्मा ना मिले तो चक्रवात भी कमजोर पड़ जाते हैं, जल जहां भी अधिक रहेंगे, जैसे समुद्र वाला क्षेत्र है वहां पर चक्रवात बड़ी तेजी से चलते हैं, लेकिन जैसे ही चक्रवात स्थल पहुंचते हैं कोई भी क्षेत्र हो, तो वहां पे कमजोर पड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि जल की मात्रा कम हो जाती है। जब जल की मात्रा कम हो जाएगी, जब भी जल की मात्रा कम होगी, गुप्त ऊष्मा कम हो जाएंगे, गुप्त ऊष्मा ही तो चक्रवात को एक बल दे रहा था, और चक्रवात का मूव करने का कारण है जो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक है, वो कारियोलिसिस बल है। तो दो है, एक तो चक्रवात जो घूम रही है वृत्ताकार अंडाकार रूप में क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, वो कारियोलिसिस फोर्स के कारण घूम रही है, कार्योलोसिस फोर्स, ये घूमना है, अर्थात घूमने का कारण है कार्योलोसिस फोर्स। और गुप्त ऊष्मा क्या है, उसके तीव्र गति, जो गति कर रही है कि 60 किलोमीटर हो गया, 220 किलोमीटर पर आर से गति कर रही है, आंधी आई अचानक से चक्रवातों के कारण सारा चीज उड़ा के ले गई, वो गुप्त ऊष्मा के कारण है। गुप्त ऊष्मा मिलेगी कैसे, जल के संघनन से मिलती है। बस यही है, मैप के साथ बनाएंगे आप इसको, और 6 पोर्शन में आपको दिखाना है स्टेज में, अंत में आपको समाप्ति दिखा देना है, उस खंड को पूरा समाप्त कर देंगे उस वायु राशि को, और पूरी तरीके से शीत वायु राशि धरातल पर छा जाएगी। आज के लिए इतना ही, बने रहिए टू डू एस में, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।